Audio Jungle. प्रेज द लॉर्ड। हर एक परमेश्वर में, हर एक विश्वासी जन, हर एक भाई बहन को, हर एक पास्टर को, हर एक उपदेशक को, मैं पास्टर अशोक सबको जय मसीह की करता हूँ। और आज का संदेश आप सबके लिए है। आज संदेश है जो कि मती रची सुसमाचार से लिया गया है और दान के विषय में है। जैसा कि आज ये COVID-19 के उस पर हम सब देख रहे हैं कि तमाम आज के समाज में बहुत ही ज़्यादा लोग दान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया है आप लोगों के बीच में देने के लिए। तो ये संदेश आज हम सब के लिए है और आज हम इस संदेश से सीखेंगे और हम अपने जीवन में बदलाव को लाएंगे ताकि प्रभु हम सबसे प्यार कर सके। आमेन। अगर किसी को ठेस पहुँचे मेरे इस संदेश के द्वारा, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए है, हम सब के लिए है। तो आपके लिए केवल नहीं है ये। तो आइए हम सब इस संदेश में आगे बढ़ते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। गॉड ब्लेस यू सबको। आइए हम निकाल लेते हैं मती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय। सब लोग अपने बाइबल में खोल लेंगे इस समय और आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वचन को जानते हैं और सारे जो परमेश्वर के दास हैं वो भी इस वचन को अच्छे से जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला वचन और इस वचन के द्वारा हम देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये संदेश जो आपके पास मैं दे रहा हूँ, मैं आज सुबह बाइबल जब पढ़ रहा था तो मेरे मन में परमेश्वर ने कहा कि ये संदेश उन तमाम लोगों तक पहुँचना चाहिए जो लोग आज इस समय परमेश्वर के वचन को तिरस्कार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। और आज हम देखते हैं समाज में तमाम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आज मसीह जो समाज है, मसीह जो भाई बहन है, उन तमाम लोगों के पास जो कलीसिया है, परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, लीडर हैं, हर एक लोग आज उन तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। मगर एक बात यहाँ पे जो है वचन के खिलाफ है, एक बात जो है वचन के विरोध में जा रहे हैं। वचन के विरोध में है मेरे प्रिय। आज इन्हीं वचनों के द्वारा मैं इस वचन के द्वारा बात कर रहा हूँ और वचन में लिखा है कि सावधान। क्यों सावधान कहा जा रहा है? क्यों सावधान कहा जा रहा है? सावधान किस समय कहा जाता है? जब एक इंसान के लिए वो परमेश्वर, जब किसी चीज़ के लिए वो नियम के कानून के विरोध में जाता है तो उसे चेतावनी दिया जाता है कि बी केयरफुल, बी अलर्ट, सावधान रहिए, आप गलत कर रहे हो या गलत जा रहे हो या गलत उसमें हो। तो प्रभु इस वचन में कहता है सावधान, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अब आप सोचेंगे कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको एग्री करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते भी रहिए। मगर यहाँ पे ऊपर जो वचन में लिखा है, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो। आमीन। हालेलुया। मैं कई दिनों से वीडियो में, पोस्ट में या व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसे तमाम चीज़ों में मैं ऐसी पोस्ट को देख रहा हूँ जो मुझे भी बहुत दुख लगता है और कई लोगों ने मुझे भी कहा भी कि ये अच्छा नहीं है, ये कम से कम एक मसीह में जो विश्वासी भाई बहन है, जो कलीसिया के जो दास दासी हैं, जो उपदेशक हैं, उनके लिए तो ये बात अच्छी नहीं है। हम अन्य जातियों के लिए अगर देखें तो वो अलग बात है, मगर एक परमेश्वर के लोगों के लिए ये बात अच्छी नहीं है। वचन में लिखा है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसा काम ना करो, मत करो। आमीन। बहुत ही दुख की बात है मेरे प्रियो, जब आप
बड़े बड़े फोटो लेकर और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर जब डालते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जब डालते हो, हालेलुया, आपको तो अच्छा लगता होगा, आप सोचते होंगे ये बिल्कुल अच्छा है, मगर आप कहां उन वचनों में चूक रहे हैं, ये आप देखिए। आप सोचते होंगे कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो वचन में लिखा है मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो। मैंने कई पोस्ट भी देखे जो कलीसिया के बड़ी बड़ी सेवकाई या बड़े जो कलीसिया के लोग या और भी कलीसिया के लोग जो कर रहे हैं। एक घर में मैंने देखा कि एक विश्वासी भाई बहन के सर पे आटे की बोरी और चावल कुछ तेल को ऐसे पकड़ के उसकी फ़ोटो लेके उसमें चार लोग साथ में खड़े होकर वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कितने का आप मदद कर रहे हो, 500, 600, 1000, लेकिन उतने में उन उस परिवार को आप शर्मिंदा कर रहे हो, लोगों के सामने उनकी इज्जत को आप उछाल रहे हो, ये दिखा रहे हो कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा लाचार हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सब लोग हैं परेशान, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बड़े, क्या छोटे, सब लोग परेशान हैं, सबके जीवन में परेशानी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ टूटे पड़े हैं, तो मिडिल क्लास को आप क्या बोलोगे? हर एक पासवान, हर एक विश्वासी भाई बहन इस बात को समझ सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो कि मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। जो धर्म के काम आप कर रहे हो मनुष्य के दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो वो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। वाहवाही को मत लो आप। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको शायद खाना बनाना तो बनाना भी नहीं आता होगा, वो बड़े बड़े चम्मच को, बड़े बड़े जो कलछा होता उसको पकड़ के बेलचा होता, वो खाने को वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं बना रहा हूं, मैं लोगों तक लेके जा रहा हूं। कोई बोरी को उठा के रख रहा है, दिखा रहा है फोटो वीडियो बना के कि अच्छी बात है, वो ठीक है, हालेलुया, वो आप दिखाओ, अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो आप लोगों तक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस पोस्ट में डाला गया कि लोगों को आप पकड़ाते हो राशन और उसकी फ़ोटो लेते हो और पोस्ट कर देते हो, शायद उसको अच्छा ना लगे आप जो फ़ोटो ले रहे हो, शायद उसके मन को ठेस पहुँचे, शायद उसके लिए ये अच्छा ना हो, कोई उसके लिए अच्छा उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में ना सोचे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि ऐसे धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, यह हर एक विश्वासी के लिए है जो दान देते हैं। शायद वो आपसे बोल सकते होंगे, पास्टर जी या परमेश्वर के दास, जो मैंने लोगों के लिए दान दिया, जो लोगों के लिए मैंने भेंट दिया, वो उसका आपने क्या किया? जाहिर सी बातें पूछेंगे। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि ट्रक में वो आटे को, बोरी या राशन रख के लेके जा रहे हैं, वो भी ठीक है, कलीसिया के अंदर दिखा रहे हैं कि ये हम ये बांट रहे हैं, वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को, ताकि जो लोग भेंट दे रहे हैं उन तक ये पहुंचे कि आपने कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, और हर एक विश्वासी भाई बहन को जो ये दान दे रहे हैं, जो ये लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर दे रहे हो तो हृदय से दीजिए। अगर आप दे रहे हो तो आप उसके लिए, आप इसलिए दे रहे हो कि लोगों के लिए जरूरत है, और आप जिसको दे रहे हो विश्वास करके दो कि वो आगे जरूर पहुंचाएगा। बिना विश्वास के आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे मत्ती 23 का 5 भी पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 5 निकाल लेंगे। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये किसके विषय में बात हो रही है? सदूकी, फरीसियों, याजकों, मतलब उपदेशकों के विषय में बात हो रही है कि वे अपने काम कैसे करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग देखें कि मेरे कलीसिया से इतना दिया गया, मेरे कलीसिया से इतना हुआ, इतने लोगों तक पहुंचाया गया। जरूर आप गिनती दिखा दीजिए। हालेलुया।
लेकिन लोगों को एक कटोरे में आप दाल दे रहे हो या एक टिफ़न पकड़ा रहे हो, उसकी फ़ोटो बड़ी सी लेके आप फेसबुक पे डाल रहे हो, अपना दांत चमकाते हुए, देखिए मैं इनके लिए खाना दे रहा हूँ। कितनी दुख की बात है, शायद कि सब लोग के कितने लोगों को बुरा लगे मेरी बात, बुरी लगे, लेकिन सच बात है ये। मैं वचन से बाहर से बात नहीं कर रहा हूँ, अब वचन को उठा के देख लीजिए कि सही है या गलत है। ये मेरे शब्द नहीं, ये पास्टर अशोक के शब्द नहीं, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये वचन परमेश्वर का है। और लिखा हुआ है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज के मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वे ऐसा काम करने वाले कौन है। सदूकी फरीसी जो पहले के समय में क्या करते थे, वचन कहता है कि वो खुद तो कुछ करते नहीं थे लेकिन दूसरों के ऊपर भारी बोझ डालते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को नमस्कार करने के लिए, अपने महिमा करवाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, वो मनुष्य को दिखाते थे कि हम ये आपके लिए कर रहे हैं। हालेलुया, ये आपके ऐसे कार्य कर रहे। तो आज भी वही कार्य हो रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जताने के लिए, लोगों को शर्मिंदगी करवाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर डालकर। लोग क्या सोचते हैं, एक फैमिली से मेरे पास फ़ोन आया कि पास्टर जी हमारे पास राशन ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि किसी पास्टर ने बोला था कि हम उनके लिए कुछ राशन पानी आप होगा किसी के लिए तो बताना। तो मैंने बोला आप उनको फ़ोन कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उनको हम फ़ोन नहीं करके उनसे नहीं लेंगे। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? अच्छा है, मदद कर रहे हैं। नहीं नहीं पास्टर जी, हम उनसे बिल्कुल नहीं लेंगे। मैंने बोला आखिर हुआ क्या, आप बताएंगे? पास्टर जी वो तो फ़ोटो खींच के लेके जाते, फेसबुक पे डालते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना पास्टर जी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे, मैं विश्वासी हूँ, अगर मेरे अविश्वासी पड़ोसी देखेगा तो क्या बोलेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है पास्टर जी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, अगर अविश्वासी देखेगा ये बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी नहीं होने का देगा, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जब कोई पोस्टर देखेगा फेसबुक पे पास्टर जी, तो बताइए कितना बेइज्जती हो जाएगी मेरी, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तुरंत वहाँ चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सका उस पर। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं बोल सका मेरे, क्योंकि वो बात शर्मिंदगी वाली बात है कि जो आज परमेश्वर के दास या कलीसिया में या विश्वासी भाई बहन कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अगर अन्य जाति कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, इन वचनों को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर इन वचनों को क्या कह रहा है। आइए हम फिर छठे और हम देखते हैं पांच अध्याय उसका सोलह वचन में देखते हैं क्या लिखा है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर शायद कोई किसी व्यक्ति को बिना जताए बिना कुछ वो करे अगर उसकी मदद करता तो शायद वो परिवार मुझे फोन करके ऐसे नहीं बोलता या कि पास्टर जी नहीं नहीं मैं ऐसा काम मैं उनसे नहीं ले सकता। क्यों? अगर काम कर रहे हो, अगर आप कुछ लोगों के लिए आप भले काम कर रहे हो तो वो परमेश्वर की वाहवाही करे। वो बोले कि सर्च में वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर के बेटे बेटे पुत्र पुत्री हैं, उन्होंने मेरे लिए मदद किया, किसी को एक कानों कान खबर नहीं हुआ, उन्होंने आके मेरे घर में कितना अच्छा मदद किया है, कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया, कितना अच्छा लगेगा। उनके पड़ोसी भी देखेंगे, उनको बोलेंगे अरे इतना पूरा लॉकडाउन है, तुम्हारे घर में तो सच में बहुत आशीष है, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं हुई है, मैं देखा तुम्हारे घर में तो कैसे अच्छे से रह रहे हो। लेकिन एक बड़ा पोस्ट अगर फेसबुक पे देखेंगे तो वो बोलेंगे बातें तो बहुत लंबी लंबी कर रहे हो, अगर मदद नहीं आता, अगर कोई आके मदद नहीं करता तो खाने के लिए लाले पड़ जाते, कैसे लगेगा। वहाँ परमेश्वर के नाम कितना खराब होगा। परमेश्वर हमारे आपके द्वारा ही पहुंचाता है मदद, लेकिन वो कह रहा है वचन में, हम फिर देखेंगे आगे वचन में
दूसरे वचन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 6 अध्याय उसका दूसरा वचन। इसलिए जब तुम दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। आमीन हालेलुया। यदि तू दान करे तो तुरही ना बजा ताकि पड़ोसी ना सुने, जो अन्य जाति हैं अविश्वासी लोग ना जाने कि आप क्या कर रहे हो, किसकी मदद कर रहे हो। हालेलुया। किसको आप दे रहे हो उनको कानो कान खबर ना हो। हालेलुया। तुरही ना बजाया जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लिखा है कि आप कपटी कपट कर रहे हो, आप दिखाने के लिए काम कर रहे हो, प्रभु प्रभु करके आप दिखाने के लिए काम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आमीन हालेलुया। ये वचन में लिखा है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। आमीन आमीन। फोटो खींच के लोगों को, पूरा एक ही फोटो खींच के दब अलग अलग स्टाइल से, इधर से पकड़ाते हुए, इधर से पकड़ाते हुए, ऊपर से पकड़ाते हुए, सर पे रखवा के, हाथ में पकड़ा के, सब अच्छे से, चार चार लोग एक साथ खड़े होके पूरा क्लोजअप लेके फोटो खींच के फेसबुक पे आप डालोगे और लिख दोगे कि मदद किया गया, लोगों को खिलाया गया, लोगों को ये किया गया, हमने ये किया, हमने वो किया। आमीन। हम और आप कौन होते हैं करने वाले? प्रभु ना चाहे तो हम कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। वो महिमा फेम क्यों चाहिए? हालेलुया। क्यों चाहिए वो महिमा फेम? अब किस लिए बुलाए गए हो? हालेलुया। किस लिए बुलाए गए हो? किस काम के लिए बुलाए गए हो? अगर प्रचारक हो तो प्रचार करने के लिए, अगर उपदेशक हो तो उपदेश देने के लिए, अगर विश्वासी भाई बहन हो तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। वचन में लिखा अगर एक गिर जाए तो उसे उठाओ, तुरही मत बजाओ लोगों के सामने कि गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया। आमीन हालेलुया। नहीं तो वचन में लिखा है कपटियों के समान सभा और गलियों में जाकर प्रचार करते हैं, सब कपटियों के समान सभा और गलियों में जाकर चिल्लाते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी बड़ाई, अपने अपने महिमा ले रहे हैं। किस लिए? सेलिब्रिटी बनना है। हालेलुया। बड़े बड़े आसन चाहिए, नमस्कार लोग करें, ट्वीट करें लोग आपको, वाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, ओ आपको मैंने पोस्ट देखा, आपने कितना बढ़िया पोस्ट डाला है, आपकी टीम कितना बढ़िया काम कर रही है। मैं मानता हूँ आप अगर बोलेंगे यहाँ पे कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि लोगों को एनकरेज हो, लोगों को ताकि लोग देखें और वो लोग भी आगे बढ़ें। हालेलुया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया था, वचन में लिखा हुआ है जब 5,000 लोगों को खिलाया था यीशु मसीह ने तो अपने चेलों से क्या कहा था, तुम ही जाकर उन्हें दो। आमीन हालेलुया। उनको मत जाकर बोलो, तुम ही जाकर उनको दो। और उन्हें खिलाकर उन्हें विदा कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। उन्हें विदा किया ताकि परमेश्वर की महिमा हुआ वहां पे, लोग खाकर तृप्त हों और परमेश्वर की महिमा वहां पे हुआ। आमीन। लोगों ने देखा परमेश्वर के कार्य को वहां पे। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इन दिनों देखकर बहुत बुरा लगता है और जो लोग फ़ोन करके बोलते हैं ऐसा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हम किससे मदद लें, अगर हम किसी से मदद भी लेते हैं तो वो फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और पोस्ट डाल देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे वो सर झुका के बड़े निराश में, बड़े उदास मन से ऐसी बातें बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है आगे कि सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैंने आपको बताया कि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें, उनको फोन करके बोले वाओ पास्टर जी वेरी गुड, गुड जॉब पास्टर जी, गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। विश्वासी भाई बहन हो तो उनको फ़ोन करके लीडर को, अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वाह मुझे पसंद आया आपका काम, ओ सही कर रहे हो आप। यहाँ लिखा है कि ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। वहीं आपको फेम और महिमा मिल गया, कुछ भी उसके आगे आपको नहीं मिलेगा,
कुछ भी जिस आशा जिस मनसा के साथ आप काम कर रहे हो कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ये केवल होठों से हे प्रभु हे प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, होठों से हे प्रभु है। आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा, तीसरे वचन में, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। वचन यहाँ बता रहा है कि जब तू दान करे तो बड़े बड़े फोटो को ना खिंचवाए, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी उसको पता ना चले। मतलब शायद वो पड़ोसी हो आपके जो साइड में खड़ा हो, उसको भी पता ना चले। आमीन, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में दसवां अंश लेते हो तो क्या कहते हो कि आप जो दान देते हो, मुट्ठी बांध के हम दान देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को पता ना चले हमने कितना दान दिया है। आमीन। और हम उन्हें सिखाते भी यही हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, फोटो खिंचवा के उनको शर्मिंदगी करते हैं। आपको पता होगा जब बाइबल में विधवा उस औरत ने जब दान दिया था तो लोगों ने उस पर चिल्लाया था कि इतना कम क्यों दिया, ज़्यादा क्यों नहीं दिया, तो वहाँ यीशु मसीह ने तुरंत बोला कि तुमने अपनी बढ़ती में से दिया मगर इसने अपनी घटी से दिया है। उसको अप्रिशिएट किया उनके सामने, ताकि वो उनके सामने लज्जित ना हो, उनके सामने वो शर्मिंदा ना हो, लोगों के सामने, वो भीड़ के सामने शर्मिंदा ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया कि इसने सबसे अच्छा दान दिया है। आमीन। तो आप ऐसा दान दें, ऐसा आप मदद करें लोगों को कि यीशु मसीह आपको अप्रिशिएट करे, कि आप दिखाने के लिए नहीं कर रहे वरन आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। क्यों चाहिए फोटो? आप बोलेंगे नहीं, जो मुझे दे रहा है, जो मुझे पैसा भेज रहा है, उसको भी तो भेजना है। हालेलुया, उसको भी तो मत लीजिए, उससे विश्वास नहीं है उसको आपके ऊपर, मत लीजिए उससे। हालेलुया, आप सामान खरीद रहे हैं उसकी फोटो भेज दीजिए, भाई हमने ये लिया, ठीक है ये हमने लेकर हमें बांटना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन पर्सनली चेहरे को आप सामने लेकर आते हैं, कितना बुरा लगता है अगर कोई जो आपको वो भेज रहे हैं पैसे, आपका फोटो लेकर और पर्सनली बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए कि मैंने इनको दान दिया है, या इनके घर पे, मैंने पास्टर के घर पे या परमेश्वर के दास के घर पे या विश्वासी के घर पे किसी के लिए मैंने ये दान दिया है, किसी जाके कितना बुरा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। मतलब वो पड़ोसी, वो अन्य जाति या कोई भी उसे जानने ना पाए जो आप कर रहे हो, उसके वहाँ जो पहुँच रहा है वो जानने ना पाए, ताकि उसकी निंदा ना हो, जो वो बातें कर रहा है लोगों के सामने कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी भूखा नहीं सुलाता है। जवान सिंह भूखे रहते हैं मगर यहोवा के खोजिए डरवइए कभी भूखे नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब लोग उसको आकर कहें कि सच में पास्टर जी आप या आप बहन या भाई, आपको परमेश्वर सच में बहुत आशीष करता, आपका परमेश्वर वाकई में बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, हमारे घर में तो इतना परेशानी आ गया लेकिन आपके घर में मैंने देखा कितना आनंद से आप रह रहे हो, कितना खुशी से रह रहे हो, कोई कमी घटी नहीं हुई। आमीन, आमीन। लोग ऐसा बोलना है, yes. वो आपके द्वारा होता मेरे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं, चौथे वचन में देखेंगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। तेरा दान गुप्त होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में लिखा हुआ है, तेरा दान गुप्त होना चाहिए। डंका बजवा के दान नहीं देना चाहिए, चौकों पे खड़े होकर प्रचार करके दान नहीं देना चाहिए। हालेलुया, लोगों को फोटो खिंचवा के ये लीजिए आपके लिए पेश है, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल लीजिए बहन, फोटो खींच लिया क्लोजअप के साथ, अलग अलग स्टेप में इधर से उधर, इधर से उधर, ये लीजिए।
कितना बुरा लगता होगा उनको जब आप फूटे। कई लोगों को देखा कि उन्होंने मुंह पे पूरा आंख खाली दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको शर्म आ रहा होगा कि ये फोटो खींच के अगर पोस्ट कर दिया तो क्या होगा, उनको शर्म आ रहा होगा। कई लोगों को पोस्ट में मैंने देखा है कि वो अपने चुन्नी से, या अगर लेडीज है तो अपने ऐसे ढक के, और वो खड़े होके ऐसे, वो ऐसे देख रहे हैं, वो कैमरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा कि ये किस किस के पास फोटो जाएगा, मैं किसी के सामने कितना जाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करती हूँ, उनके सामने ये फोटो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। ये देने वालों के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए भी है, जो इस लोगों के लिए मदद करने के लिए जो कलीसिया में दान देते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे, ये उनके लिए भी है। और जो लोग ले रहे हैं, लेकर लोगों को दे रहे हैं, ये उनके लिए भी है। ये किसी सिंगल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, हर एक सेवकाई करने वालों के लिए ये सब है। ये इवन मेरे लिए भी ये है, मेरे लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले मेरे प्रियो परमेश्वर के दास और दासी लोगों, सबसे पहले ये कार्य जो हम कर रहे हैं, इसका न्याय, इसका लेखा हमें देना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है सबसे पहले जो उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, चरवाही करने वाले हैं, उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, उनका न्याय सबसे पहले होगा। आमीन। तो किस रीति से आप कर रहे हो, आइए हम देखते हैं। यर्मिया की किताब, उसका यर्मिया की नबी की किताब, उसका 17 उसका 10 में देखते हैं क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। निकाल लिया सबने? उसका 10, उसका यर्मिया के 17 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे कामों का ही फल हमें देगा, हमारे चाल चलन को जानता है वो, कि ये क्या, किस लिए ये कर रहे हैं, ये किस लिए जो मदद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मेरे महिमा के लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो, या अपने फेम कमाने के लिए कर रहे हैं। शायद आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हृदय को यहाँ जानता है, और आप भी जानते हो कि आपके हृदय में क्या है, आपके सोच में क्या है। yes. आप भी जानते हो। हालेलुया। शायद सामने वाला ना जानता हो, मगर परमेश्वर जरूर जानता है, और आप जानते हो कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि यहोवा, मैं यहोवा, आमीन, आमीन, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो कैसा फल आपको चाहिए वो आप देख लीजिए। हम अन्य जातियों में देखते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, वो यीशु को नहीं जानते, वो उनके वचन को नहीं जानते, मगर आप और हम सिखाते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, हालेलुया, पढ़ते हैं, रोज रोज वचन पढ़ते हैं, और प्रार्थना में भी कहते हैं ये चीज़ कि यहोवा हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। फिर अपने विषय में जब आता, क्यों भूल जाते हैं? yes. क्यों चूक कर जाते हैं? तो हमारे लिए वो लागू नहीं है क्या? हमारे ऊपर वो लागू नहीं होगा? 100% होगा, 100% होगा। वो सबसे पहले हमारे लिए ही न्याय होगा। आमीन। इसलिए अपने जो भी कार्य आप कर रहे हो, किसी के मन को दुखा कर मत कीजिए। वो तो चलो मजबूर है, उसको लेना ही है। आप चाहे एक फोटो खींचो, चाहे 10 फोटो खींचो, चाहे 1 घंटे की वीडियो बनाओ, चाहे 10 घंटे की वीडियो बनाओ, चाहे आप उसको ऐसे पकड़ा के फोटो खींचो, चाहे आप उसको ऐसे दिखा के फोटो खींचो, जैसे मर्जी फोटो खींचो, क्योंकि वो बेचारा, उसको मजबूरी है, उसको जरूरत है, उसको चाहिए, वो कर लेगा, खिंचवा लेगा, लेकिन उसके अंदर, उसके हृदय से पूछिए क्या सोच रहा होगा कि पास्टर या इन लोगों को ऐसा क्यों करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे इस समय कुलुसियों 3:23-24, हम देखेंगे
हम समाप्त करेंगे उसके बाद। कुलुसियो 23:24 आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैंने फिर आपको बताया कि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। जो भी करो वो अपने तन मन से करो, ये सोच कर कि मेरे फेम के लिए नहीं है, मेरे बड़ाई के लिए नहीं है, मेरी महिमा के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे लोग नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे लोगों ने नहीं, लेकिन जिसको दिया है आपने वो तो आपकी बड़ाई करेगा, जिसको आपने दिया है वो तो आपके नाम को ऊंचा करेगा, वो तो जानेगा कि आपने उसको दिया है। भले ही संसार ना जाने, भले ही लोग ना जाने, भले ही वो फेम आपको ना मिले, भले ही वो कॉल आपके पास ना आए कि आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भले ही आपको वो कमेंट बॉक्स में मैसेज ना आए, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तन मन से करो ताकि उसमें परमेश्वर की महिमा हो। जो व्यक्ति के पास वो मदद पहुंचे वो कहे कि सच में वो परमेश्वर के लोग हैं, दुनिया में लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को हाईलाइट करके कर रहे हैं, लेकिन वो सच में किसी को पता नहीं चला उन्होंने मुझे मदद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ऐसे लोगों को मेरे पास भेजा है, धन्यवाद परमेश्वर। वो ऐसे बोले और परमेश्वर के नाम को वहां महिमा मिले मेरे लिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए, लेकिन वचन से मैं बाहर कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मनुष्य के लिए करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दिन दो दिन लोग आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, फोन कर देंगे, एक दो दिन के ज्यादा, उसके बाद तो कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर कोई आपको भेजना चाहता है मदद कि आप आगे भेजो, तो उसको विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। देने वालों के लिए भी मैं ये बोल रहा हूं कि उसको आपको विश्वास, जिसको आप दे रहे हो मदद करने के लिए, उसके ऊपर होना चाहिए कि मैं मेरा पैसा मैं इसको दे रहा हूं, ये लोगों को मदद करेगा, तभी आप उसको दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे 24 अध्याय में, क्योंकि तुम जानते हो वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु में मीरास लेने के लिए आए हो मेरे प्रियो, आप स्वर्ग राज्य के लिए बुलाए गए हो, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो, और अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए लोगों को आप बुलाए गए हो। हर एक दास दासी बुलाए गए हैं ताकि लोगों को सही शिक्षा दें, सही वचन सिखाएं और सही खुद करके उसी रास्ते पे उसको लेकर जाएं। नहीं तो वचन में लिखा है कि सदूकियों फरीसियों के विषय में कि वो खुद तो प्रवेश नहीं करते और दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, क्योंकि जो कुछ आप सिखाओगे वही वो करेंगे। तो वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जो कुछ करते हो ऐसा करो कि आप मीरास पाओ, प्रभु से मीरास पाओ। हालेलुया। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, मनुष्य की सेवा नहीं करते, संसार की सेवा नहीं करते हो, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बुलाए गए। उसने इसलिए बुलाया कि अपने मिशन में से अपनी सेवकाई में आपको सौंपे और आप उसमें खड़े होकर कार्य करो। भले ही आपको उसमें कोई महिमा ना मिले, लेकिन यीशु मसीह को महिमा मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे 25 में क्या लिखा है, हम पढ़ के खत्म करेंगे। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो लिखा है कि जो कोई बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। मीरास चाहिए, प्रभु से अच्छा प्रतिफल चाहिए, या परमेश्वर से जो प्रतिफल आप पहले ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दुनिया में आपको हफ्ते में दो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु जो मीरास देगा, जो प्रतिफल देगा, जिस लिए आप बुलाए गए हो, जिस कार्य के लिए, जिस राज्य के लिए और जिस जीवन के लिए बुलाए गए हो, तो उसमें आपके लिए शामिल होगा। हालेलुया
हर एक दास दासी, हर एक विश्वासी भाई बहन सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आगे आप जो भी मदद कर रहे हो, प्लीज़ उनको शर्मिंदा मत कीजिए, उनको उनकी बेइज्जती मत कीजिए। जो कुछ भी कर रहे हो आप चुपचाप कीजिए, गुप्त में कीजिए, ताकि लोगों की निंदा ना हो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। और आप देख रहे थे इस डिवाइन अ पावर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं पास्टर सो के संदेश के साथ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुँचे और जो ये कार्य हो रहा है इस संसार में रुकने पाए, ये कार्य रुकने पाए। और जो लोग आगे से कार्य करें इस बात को ख्याल रख के करें कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना समझें, पैरों तले ना रौंद दें। वो परमेश्वर के वचन को आदर के साथ, क्योंकि वचन को जब परमेश्वर कहता है कि वो अपने से ज़्यादा वचन को आदर करता है, वो आदर देता है। हम लोगों को सिखाते हैं वचन ही परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ है, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। याद रखिए, हर एक परमेश्वर के लोगों, प्रभु आप सबको आशीष करें। और शेयर करना ना भूलिए, और आप मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि अगर इसमें कोई गलत है तो आप मुझे लिख के बताइए, अगर सही है तो मुझे लिख के बताइए क्या सही है क्या गलत है। आप खुद उसका वचन को पढ़ के, मत्ती उसका छठा अध्याय पढ़ के खुद आप न्याय कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे अगले संदेश के साथ। तब तक सबको जय मसीह की, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।